शिकायत है क्या है सर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि अब ये आईसीआईसीआई बैंक में ऑफिसर बन करके हैदराबाद जाने वाली है बच्ची बहुत लायक है अब भावुक हो गई है इसको आप बढ़िया इसका पसंद का खीर भी खीर भी बना कर लीजिएगा अच्छा ठीक है ठीक है सर ठीक है अब तो हो रही थी क्या हुआ था कॉन्फिडेंस नहीं था क्या कॉन्फिडेंस था हाँ कहाँ के जाने वाली है

और से तो नहीं परी है, हाँ। है, तो है। अच्छा, क्योंकि हाँ। अच्छा, <laughs> तो हम देख रहे थे मोबाइल नंबर बताए जा रहे हैं पांच ही वाले बताए जा रहे थे, कि दस नगर लोग नहीं जान जाए <laughs> एक ने विधायक जी से पैरवी करा दी उनका नाम ही काट दिया गया था तो ये

पापा किसान है इसे चार नौकरी मिली है चार नौकरी भी हाँ दिखाते चलिए देखिए ये भीड़ ये बरसात वाली भी है सबको नौकरी मिली है किसे चार नौकरी मिली भाई क्या बात है क्या नाम है आपका कहा रहने वाली हो सॉलिस कहा नौकरी मिली अच्छा की सबसे अच्छी बात बताओ सबसे गंदी बात भी बता दो

कैंपस प्लेसमेंट के लिए आने वाले हैं तो आज हम बात करते हैं जी हाँ नीरज अग्रवाल सर से जो कि सीमेज के डायरेक्टर हैं देखिए मंदी जो है वो वास्तविकता में जितनी दिखाई पड़ती है उससे ज़्यादा उसका एक सांकेतिक असर होता है आज भारतीय आईटी कंपनी में ग्रोथ की रफ्तार कम हुई है और जितनी ग्रोथ की रफ्तार कम हुई है उससे कई गुना अधिक नौकरियों की रफ्तार कम हो गई है नौकरी देने जैसे मैं सिर्फ दो कंपनियों को उदाहरण दूंगा यहाँ पर टी और इन्फोसिस ये दो भारत की सबसे बड़ी आई कंपनियां हैं और प्रतिवर्ष डेढ़ लाख नए इम्प्लॉयज़ को ये अपने साथ जोड़ती हैं इस वर्ष चूंकि ग्लोबल एक रिसेशन का एक दौर का एक डर है अभी तक रिसेशन आया नहीं है आ, कहते हैं कि यूरोप में थोड़ा रिसेशन आ गया है लेकिन यूएस में भी रिसेशन आने का डर है तो इस डर के मारे कंपनियों ने हायरिंग पे काफ़ी रिस्ट्रेन कर दिया और टी और इन्फोसिस में इस साल अभी तक मात्र पच्चीस हजार नए इम्प्लॉयज़ को जोड़ा गया है जो कि डेढ़ लाख एम्प्लॉइज़ को हर साल जोड़ते थे लेकिन इस बीच विप्रो में इस साल हमारे यहाँ अभी भी छियासठ एम्प्लॉई को जॉब मिली है टेक महिंद्रा में लोगों को जॉब मिली है टी में भी जॉब मिली है और अब खबर मिल रही है टी से कि टी की अब हायरिंग में जो है काफ़ी तेज़ी आने वाली है क्योंकि अमेरिका में रिवाइवल के साइंस आ रहे हैं अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाई जा रही थी लेकिन अब अमेरिका में ब्याज दरों का बढ़ना रुक गया है और आने वाले दिनों में ब्याज दरें घटेंगी जब ब्याज दरें घटती हैं तो इकोनॉमी में एक रिवाइवल uh, आता है खपत बढ़ती है डिमांड बढ़ती है कंपनियाँ एक्सपेंस ज़्यादा करती हैं और मुझे उम्मीद है कि भारतीय आईटी कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ हो जाएगा और वैसे में जो टीसीएस सी इंफोसिस एचसीएल टेक महिंद्रा या फिर असेंचर कैप जेमनी या आईबीएम इन सारी कंपनियों में जिस तरीके से हमारे यहाँ से बच्चों को जॉब प्लेसमेंट मिल रहा है वो सफ़र जारी रहेगा और इस बार रिलायंस uh, ने हमारे यहाँ से बच्चों को आईटी uh, के सॉफ्टवेयर के जॉब के लिए लिया है साढ़े सात लाख का पैकेज दिया है और साथ साथ में बिट्स पिलानी से रिलायंस uh, भी बच्चों को एमटेक करवा रही है सेम एमटेक कोर्स बिट्स पिलानी से विप्रो करवाती है और बच्चों को वो अपने यहाँ पे एम भी करवाती है और एम का कोर्स पूरा होने पे दो लाख रुपए का बोनस भी देती है ज्वाइनिंग के बाद पचहत्तर हज़ार रुपये का बोनस देती है हर महीने पाँच छः हज़ार रुपये का शिफ्ट अलाउंस देती है और उसके अलावा तेईस हज़ार रुपये तक का उनको वेतन देती है तो इस तरीके से विप्रो में जो बच्चे जाते हैं उनको शुरुआत में एक अच्छा करियर भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है तो इस बार भी काफी बच्चे विप्रो में गए हैं अभी छियासठ का फिगर है जो कन्फर्मेशन है हमारे पास लेकिन ये थ्री डिजिट से काफी ऊपर जाएगा मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि डेढ़ के ऊपर जाना चाहिए क्योंकि जितने बच्चों का सारे फाइनल राउंड तक क्लियर हो चुका है उनकी संख्या डेढ़ के ऊपर है अब उनका सिर्फ ऑफर लेटर आना वहां से बाकी है छियासठ को ऑफर लेटर विप्रो में आ चुका है इक्यानवे को टेली परफॉर्मेंस में अमेजन प्रोसेस के लिए ऑफर लेटर आ चुका है सौ को आई बैंक में कल ऑफर मिला आप लोगों ने सबने देखा वहां पर सौ बच्चों ऑफर मिला फ्लिपकार्ट ने पटना में बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अंठावन बच्चों को जॉब दिया है लोग अकसर, बहुत अक्सर पूछते हैं कि आप सब बच्चों को बिहार के बाहर भेज देते हैं तो फ्लिपकार्ट ने बच्चों को बिहार में जॉब दिया है लोगों से बच्चों से पूछ करके कि तुम समस्तीपुर के हो तुमको समस्तीपुर में ज्वाइनिंग दे रहे हैं तुम बेगूसराय के हो तुमको बेगूसराय में दे रहे हैं सिवान वाले को सिवान में ज्वाइनिंग दिया और बार बार लोग पूछते हैं कि सैलरी कितना है तो उनको उनके गृह जिला में अपने घर में रह करके पच्चीस हजार रुपये का सैलरी प्लस पीएफ प्लस ईएसआई प्लस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक कोर्स कंपनी करवा रही है जिस कोर्स के पूरा होने पे सैलरी सीधा डबल कर दे रही है तो ये सब सुविधा तो बच्चों को बिहार में मिल रही है हमारे यहाँ अच्छा हम बात कर रहे थे कि बच्चे तो गाँव से भी आते हैं और अलग अलग जगहों से आते हैं तो और भी कॉलेज है जिनमें इतना कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है लेकिन सीमेज ऐसा आखिर क्या पढ़ाई कराता है जो इन बच्चों को बीबीए बीसीए जैसे कोर्स में भी उनको जॉब लग जाता है देखिए कंपनी की रिक्वायरमेंट अपनी जगह पर है कंपनी को एक सर्टन लेवल ऑफ स्किल सेट चाहिए और स्किल सेट चाहिए तीन तरह के मैनेजमेंट स्किल चाहिए टेक्निकल स्किल चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल चाहिए इन तीनों स्किल के बिना आप किसी भी जॉब में अच्छा काम नहीं कर सकते हैं अब बच्चे गांव से आ रहे हैं चाहे वो सरकारी स्कूल से आ रहे हैं हिंदी मीडियम स्कूल से आ रहे हैं बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो इन तीनों स्किल पे काम करना पड़ेगा और अगर हमको स्टूडेंट्स को बी सी ए पढ़ाना है किताबें सारी इंग्लिश में हैं जो वो नोट्स तैयार करेगा उसको इंग्लिश में तैयार करनी होगी जो एग्ज़ाम में आंसर लिखेगा वो इंग्लिश में लिखेगा जितने ज्यादा वीडियो मिलेंगे उसको जो लेक्चर्स मिलेंगे अच्छे उसको ऑनलाइन मिलेंगे वो सब भी इंग्लिश में मिलेंगे और जब इंटरव्यू होगा जब एच आर पूछेंगे वो इंग्लिश में होगा और जब वो जॉब करेगा अगर आईटी सेक्टर में जॉब करेगा तो जो क्लाइंट्स होंगे जिनके लिए वो काम करेगा वो क्लाइंट्स सारे यूएस के और यूके के क्लाइंट्स होते हैं यूरोप के क्लाइंट होते हैं उनके मेल्स आते हैं रिस्पॉन्ड करना होता है उनके संग वेब कॉन्फ्रेंसिंग में बैठना पड़ता है जो अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो आपको अपनी अंग्रेजी को तो सुधारना ही होगा और बच्चे अगर सोचेंगे कि भाई बी कर लें उसके बाद अंग्रेजी सुधारेंगे तो आप ढंग से बी कर ही नहीं पाओगे तो एक ब्रिजिंग का काम करने की ज़रूरत होती है जो गैप है उस गैप को फिलअप करना होता है और इसके लिए हमने ब्रिज कोर्स डिज़ाइन किया है जिस ब्रिज कोर्स में हम लोग स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही हम ये काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स को पहले हम रशअप करते हैं इंग्लिश के साथ में उनके वो वर्ड पावर होने चाहिए ताकि वो बुक्स को समझ सकें समझना बहुत ज़रूरी है अपने लैंग्वेज में लिखने की कैपेसिटी कैपेसिटी जब वो जो चीज़ सुन रहे हैं जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं उस चीज़ को वो नोट्स बना के लिख सके तो नोट्स कैसे बनाएं फिर अपने आंसर्स कैसे तैयार करें और इंटरव्यू में बोलना यानी कि अपनी बात को इंग्लिश में रखने की क्षमता कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस दमसेल्फ तो ये सारी चीज़ों को हम ब्रिज कोर्स के माध्यम से कवर अप करते आए हैं मैथमेटिक्स और लॉजिकल और क्वांटिटिव स्किल्स को डेवलप करने पे उस पर जोड़ दिया जाता है और बेसिक कंप्यूटर का जो एक कॉन्सेप्ट और जो टाइपिंग स्पीड वगैरह होनी चाहिए ये सब हम शुरुआत के दो तीन महीने में डेवलप करने का कोशिश करते हैं और जो हमारे यहाँ अर्ली बैचज बनती शुरुआती बैचेज बनती हैं उनके बच्चों को इसका एडवांटेज मिल पाता है अगर कोई बैच हमारे यहाँ बाद में बन रही है तब अक्सर ऐसा होता है कि हम ब्रिज कोर्स नहीं करा पाते हैं और उन छात्रों को कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती क्योंकि उनको इंग्लिश में दिक्कत आती है और हम हमारे लिए संभव नहीं है कि हम बार बार बच्चों का जो बेसिक इंग्लिश है जो कि क्लास सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ लेवल का होता है और वहां पर वीकनेस है ये बात हमें मानना पड़ेगा उसको हम बाद में ठीक करा पाए तो ये ब्रिज कोर्स का फायदा बच्चों को बहुत मिलता है और जो अभी प्लेसमेंट्स हुए हैं जिन कंपनियों ने आपने देखा जो आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात की जाए तो एच हैदराबाद से आए थे 16 एच आए थे और सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे सवाल इंग्लिश में पूछ रहे सुनने में तो ये भी आ रहा था कि लोग बोल रहे थे कि आई का जो मेन ब्रांच है, है हैदराबाद में वहाँ पर एक फ्लोर पर सिमेजियन भरे हुए हैं ये सही है क्या अब देखिए ये हम तो वहाँ गए नहीं हैं लेकिन जो एचआर आई हैं एच ने ही ये बात कही मुझे बड़ा फक्र हुआ मुझे बड़ा गर्व हुआ और लोगों को यकीन नहीं हो पाता है लेकिन फैक्ट ये है कि 1600 सौ सो सीमच के छात्र अभी है हैदराबाद में आई बैंक और उसके कुछ बच्चे छोड़ चुके हैं जॉब और वो अच्छे कारणों से छोड़े हैं क्योंकि बगल में ही वहाँ अमेजन का इंडिया का हेडकोार्टर है गच्छी बावली हैदराबाद में एक जगह है बहुत शानदार लोकेशन है जहाँ पर बड़ी बड़ी आई कंपनियों के और बैंकिंग कंपनियों का इनफैक्ट आई का जहाँ पर यह हेडकोटर है उसको फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हैदराबाद में तो वहाँ पर एक्सिस बैंक का भी है वहाँ फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का भी है वहाँ कारवी का भी है वहाँ अनेकों कंपनियों के हेडक्वाटर हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो फ्रैंकलिन में और एक्सिस में और उसके अलावा जेनपैक्ट का बहुत बड़ा वहाँ पर ऑफिस है बहुत बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पर तो जेनपैक्ट में हमारे बच्चे काफ़ी गए हैं आई फर्स्ट बैंक में बच्चे जा रहे हैं अभी मतलब दो तीन दिन पहले कई बच्चियों ने जो है आई बैंक से आई फर्स्ट बैंक में स्विच किया है तो सोलह सौ सो से ऊपर बच्चे हैदराबाद में हैं जो हमारे वहाँ हैदराबाद का जो चैप्टर है एलमी चैप्टर उसमें बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है और एच हाँ ने यह भी कहा कि हर तीसरा जो वहाँ पे मिलता है वो सिमेज का मिलता है बच्चों ने वहाँ पे एक माइंड प्ले किया था बहुत बड़ा ऑडिटोरियम उटुरिय, ऑडिटोरियम है कंपनी के ऑफिस में और वहाँ पर काफ़ी हज़ारों लोगों के सामने हमारे सीमएच के स्टूडेंट्स ने एक माइम एक्ट प्ले किया जिसमें वो किसानों के दर्द को दिखा रहे थे और स्टेज पर से अनाउंसमेंट हुआ कि ऑल दी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सीमएच कॉलेज पटना बिहार और स्टैंडिंग ओवेशन मिला बच्चों को पूरे हॉल ने खड़े होकर के उनके लिए तालियाँ बजाई तो हमें गर्व हुआ कि भाई बिहार के लिए और सीमएच के लिए हैदराबाद में भी ताली बज रही है तो जी हाँ गर्व तो होगा कि बिहार से इतने बच्चे पढ़कर और बिहार से बाहर जा रहे हैं नौकरी कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं लेकिन सर एक लास्ट सवाल कि कहाँ से आपको इतना इनर्जी आती है कि आपने हालांकि मैं भी उस टूर में साथ था कि बच्चों को ऑन कोर्स और प्रैक्टिकली आगे बढ़ाने के लिए आपने आईआईटी बीएचयू में आपने तीन सौ लड़कों को लेकर के यहाँ से गए थे तो इसकी एनर्जी आपको कहाँ से इतनी आती है चूँकि तीन सौ लड़का कंट्रोल करना स्टूडेंट को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है आप देखिए मैं बच्चों के बीच बच्चा बन जाता हूँ और मुझे बच्चा बनने में अच्छा लगता है और ये बच्चे ही मुझे बच्चा बना देते हैं तो मुझे लगता है कि एनर्जी जब तक इनके बीच हूँ मैं चीर युवा हूँ और मुझे कभी कोई मुझे नहीं लगता है कि मुझे एनर्जी कभी कोई कमी होगी और जैसे जैसे बच्चों को सफलता मिलती है मेरी ऊर्जा बढ़ती है मेरी एनर्जी बढ़ती है और यही मिशन बना लिए एक्चुअल में लाइफ में किस मिशन होना चाहिए जब आपकी लाइफ में कोई मिशन नहीं होता है आप बहुत सुस्त होंगे आपसे कुछ मतलब जीवन में उत्साह उमंग आपके नहीं होगा लेकिन जैसे ही आपको लाइफ में एक मिशन मिल जाता है एक पर्पज़ ऑफ लाइफ मिल जाता है तब आपको फिर सेल्फ मोटिवेटेड महसूस करते हो जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं आप अपना मिशन याद कर लो अपना गोल याद कर लो फिर आपका उत्साह जो है वो वापस से आप हासिल कर पाते हो तो इसलिए बच्चों की जो सफलता है बच्चों के बीच अपना बचपन जीना मतलब जो जब हमारा कॉलेज लाइफ था और हो सकता है बहुत कुछ ऐसा भी है जो कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में नहीं कर पाया और मुझे लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को वो सब कुछ करवाऊँ और जो इनकी एक ज़रूरत है जो इनकी एक जहाँ जहाँ पर इनको एक बेसिक नीड्स हैं उसको समझ पाने का प्रयास करता हूँ कहाँ इनको हैंड होल्डिंग करनी है कहाँ इनको हाथ पकड़ करके इनको आगे लेके जाना है वो समझने का प्रयास करता हूँ कहाँ ये बचने का उपाय करते हैं कहाँ ये मतलब सबके अंदर एक चोर भी बैठा है तो वो चोर कहाँ से उसको चोरी करने का विचार दे रहा है उसको समझते हुए उसको आ, उसको मतलब इतना घेर के रखो इतना बांध के रखो लाइन एंड लेंथ उसका इतना कड़ा रखो कि वो किसी बाहर जाती हुई बॉल को छेड़े ना ताकि वो कहीं भी अपने मिशन से डिगे नहीं तो ये हमको अनुशासन को भी कायम करके रखना होता है तो ये सारा कुछ हम लोग कर पाते हैं आपने बनारस का जिक्र किया बनारस में कुछ छात्रों ने अनुशासनहीनता की थी उनको हमने कॉलेज से निकाल दिया तो ये अनुशासन का भी बहुत एक कड़ा वातावरण बना के रख रहे हैं सिमेज में और यही कारण है कि सिमेज जो है वो अपनी सफलता हासिल कर पा रहा है